إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से सुनना हम पर ज़रूरी है। हमारी आयली ज़िंदगी, कबायली ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी होती है, लिहाजा नबी की सीरत को सामने रखकर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इससे पहले नबी की सीरत की अहमियत और उसकी फजीलत पर गुफ्तगू हुई थी, जो सबसे पहला हफ्ता हम आपके सामने बयान किए थे। उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा हत्ता के लॉकडाउन आ गया, तो इस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए बंद करना पड़ा। अब फिर यहाँ से इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, पिछली मर्तबा लॉकडाउन से पहले जिस हफ्ते हमने आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की थी, उसका मौजू क्या था, कोई बता सकते हैं? आखिरी मौजू था इसरा और मेराज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कैसे हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ और आपकी बीवी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई गम लाहिक हुआ। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया के जो सबसे बड़े आसरा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन किया करते अच्छी बातों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बा देते, हौसला देते। जब यही लोग दुनिया से उठ गए, इनका इंतकाल हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गमगीन रहने लगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तसल्ली देने के लिए इसरा और मेराज कराई, यानी मक्का से मदीना, मक्का से बैतुल मुकद्दस तक की सैर कराई, फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की मेराज हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से, बैतुल मुकद्दस से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चले गए, आसमानों की तरफ चले गए। आसमानों में, सात आसमानों में मुख्तलिफ अंबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, और उन्हीं मुलाकातों में एक मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। यह मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ, पिछली मरतबा का खुलासा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तोहफा मिला है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजों का तोहफा उम्मत मुहम्मदिया को अता किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ, मुझे डर इस बात का कि तुम्हारी उम्मत इन 50 नमाजों पर पाबंदी नहीं करेगी, जाओ कुछ तख़फीफ करके आओ। गौर फरमाए, आज 5 नमाजें हम पर फर्ज की गई हैं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबं मौकूता, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रा पर मोमिनों के लिए 5 औकात की नमाज को फर्ज किया है। इन 5 औकात नमाजों के एहतमाम के लिए ही हम पर कोताही हो रही है, हम सुस्ती और गफलत का मुजाहरा करते हैं, थोड़ा सा वफ कर रहे हैं। और गौर फरमाएं, तदब्बुर करें, अगर 50 नमाजें हम पर खुदा ना खास्ता फर्ज होती, तो क्या हम 50 नमाजें अदा करते? हरगिज़ अदा नहीं करते। 5 नमाजों का हमारा ये हाल है, एक नमाज छोड़ दिए दूसरी नमाज आए, एक दिन नमाज नहीं पढ़े दूसरे दिन नमाज आए, या नहीं तो फिर हम दिन में 1 या 2 नमाजों को छोड़ देते हैं। अब 50 नमाजों का तसव्वुर कीजिए और गौर फरमाइएगा कि क्या हमारे से 50 नमाजों की, हमारे पास 50 नमाजों का हम एहतमाम करते? हरगिज़ नहीं करते।
तो हजरत मूसा ने कहा जाओ रब से तकफीफ करके आओ, नमाजों में कुछ कमी करके आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, 10 नमाजों की तकफीफ लेकर आए, 40 नमाज लेकर आए। पूछा कितने नमाजों की तकफीफ हुई, कहा 10 नमाजों की तकफीफ हुई है। हजरत मूसा ने कहा जाओ मुझे डर है तुम्हारी उम्मत इस 40 नमाज को भी अदा नहीं करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए फिर तकफीफ करके आए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा हत्ता के 5 नमाजें उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा कितने नमाजों की तकफीफ हुई। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब हम पर 5 नमाजों को फर्ज किया उम्मत मुहम्मदिया पर। हजरत मूसा ने कहा कि जाओ ये भी तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, कुछ और कमी करके आओ। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं मुझे अब शर्म आती है मेरे रब से, लिहाजा उम्मत मुस्लिमा पर 5 औकात की नमाजें फर्ज कर दी गईं। अब हम पर जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है कि हम इन 5 नमाजों का एहतमाम करें, कसरत के साथ इनको पढ़ें, बगैर नागा और बगैर किसी परेशानी के इन नमाजों को अदा करना उसके औकात में हम पर लाजिम है। फिर इसरा मेराज में बहुत सारी बातें हुई, पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दूध और शराब पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का इंतखाब किया तो आपसे कहा गया आपने फितरत की राह पाली, अगर आप शराब को इख्तियार करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर दारुगाह जहन्नम भी दिखा गया, मालिक दिखाया गया जो ना हंसता था और ना उसके चेहरे पर कोई खुशी और बशाशत थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम को भी देखा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के माल खाने वालों को देखा। इसी तरह बहुत सारे चीज़ों का मुशाहदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या निकलता है, इसरा और मेराज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कराई। सबसे पहली बड़ी वजह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी वजह लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा, ताकि ऐ मोहम्मद हम आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बड़ी निशानियां दिखला दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसरा और मेराज में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी निशानियां दिखलाई। वो बड़ी बड़ी निशानियां क्या थी आपने सुना है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए मक्कतुल मुकर्रमा में, कुफारे मक्का को इसरा और मेराज का पूरा वाकया बतलाया तो कुफारे मक्का ने इनकार किया, कहा यह कैसे मुमकिन है एक रात में तुम मक्का से बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ और वहां से फिर तुम आसमान की तरफ चढ़ जाओ और फिर सातों आसमान की सैर करो और मुख्तलिफ चीजों का मुशाहदा करको एक ही रात में जमीन पर आ जाओ, यह मुमकिन कैसे है, इनकार कर बैठे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि एक शख्स है जो कहता है कि रातों रात उसने बैतुल मुकद्दस की तरफ गया और वहां से आसमानों की तरफ गया और फिर वहां पर कई चीजों का मुशाहदा करके आया, तुम इस बात की तस्दीक करोगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कौन है ऐसा शख्स, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अगर ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो मैं उनकी बातों की फौरन तस्दीक करूंगा। लिहाजा उसी वक्त से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का लकब सिद्दीक पड़ गया। फिर उसके बाद बैते अकबा उला पेश आई, पहली बैते अकबा। अकबा एक घाटी का नाम है, तंग घाटी यानी तंग पहाड़ी की गुजरगाह को अकबा कहते हैं। मीना में आते जाते हुए मीना के मगरिबी किनारे पर, हम तो गए नहीं मीना के करीब, शायद आप लोग गए होंगे, मीना जानते होंगे किस सिमत में वाकई है। मीना के मगरिबी किनारे पर एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता था, यही गुजरगाह अकबा के नाम से मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के लिए इस घाटी का इंतखाब किया था, अकबा का तंग रास्ते का इंतखाब किया था। हम पहले बता चुके हैं आपको मदीने के 6 अफराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम ला चुके थे, ये आपको मालूम है। फिर जब 11वें नबुवत में हज का मौसम आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 12 अफराद तशरीफ लाए। शुरू में मदीने के 6 अफराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, इस्लाम लाए,
और ये लोग इस्लाम लाकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि हम अपनी कौम में जाकर, मदीना जाकर, यसरिब में जाकर आपकी रिसालत की तबलीग करेंगे, दीन को फैलाने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा ये निकला, सिर्फ एक साल में 6 आदमियों से होकर 12 आदमी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए नबुवत के 11वें साल। उनमें माआज़ बिन हारिस, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन साबित, सामित, यजीद बिन सालबा, दीगर अफराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीना में अकाबा के पास मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद बातों पर बैत की। गौर फरमाएं, यह बहुत अहम मोड़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह से सताया जा रहा था, 6 अफराद मुसलमान हुए। फिर उसके बाद मदीने के 6 अफराद मदीने में जाकर इस्लाम की तबलीग की तो 12 अफराद 11वें नबुवत में मौसम हज में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की चंद बातों पर। और वो चंद बातें क्या हैं? बुखारी की रिवायत है, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आओ मुझसे बैत करो। मक्का में करने से परेशानी थी, कुफारे मक्का फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया कर सकते थे, सता सकते थे, और जो बैत लेने आए हैं उनको गुमराह कर सकते थे। और वैसे भी मुसलसल कोशिश इस पर लगी हुई थी, नबी के बारे में कहा जाता था ये दीवाने हैं, मजनून हैं, पागल हैं, इनकी बातों में ना आओ, ये लोगों को दीवाना कर रहे हैं, वैसे भी कहा करते थे। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसीबत ना आने के लिए अकाबा का इंतखाब किया, उनसे कहा आओ मुझसे बैत करो। किस चीज में? अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना करो, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, बोहतान ना लगाओगे, मेरी बातों का इनकार ना करोगे और मेरी बातों की नाफरमानी ना करोगे। अगर तुम इन बातों को पूरा करोगे, इन बातों पर अमल करोगे, तो फिर याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजर से नवाजेंगे। और अगर तुम इन बातों में से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठे, चोरी कर बैठे, जिना कर बैठे और बोहतान कर बैठे, तो याद रखो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दुनिया में सजा देगा। ये बैत हुई। फिर जब हज खत्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से जो वफद आया था, कितने अफराद पर आया था? 12 अफराद पर आया था। उन 12 अफराद पर एक अल्लाह के नबी ने सफीर भेजा मदीने के लिए, ताकि इस्लाम की दावत ये सफीर पेश कर सके, इस्लामी अहकामात की तालीम दे सके और मदीने के जो लोग शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं उनको शिर्क की तारिकियों से निकाल कर नूर की तरफ लाएं, इस्लाम की तरफ लाएं। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का इंतखाब किया। आप जानते हैं वो शख्स कौन थे? कोई बता सकते हैं? इस्लाम की तबलीग के लिए नबी ने सबसे पहले मदीने में किसको भेजा? जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुसअब बिन उमेर को बतौर सफीर इन अफराद के साथ मदीना में रवाना किया, ताकि वो इस्लाम की दावत पेश कर सके। हजरत मुसअब बिन उमेर मदीना पहुंचे तो असअद बिन जुरारा के मकान पर जा पहुंचे, उनके मकान पर नुज़ूल फरमाए और दोनों ने मिलकर बड़े जोश और खरोश के साथ अहले यसरिब में इस्लाम की दावत पेश करते रहे। उसका एक वाकया तबलीग के सिलसिले में उनकी कामयाबी का एक शानदार वाकया यह है कि एक रोज हजरत असअद बिन जुरारा कौन है जानते? शुरू में जो सबसे पहले 6 लोग मुसलमान हुए थे उनमें से एक का नाम असअद बिन जुरारा था। बाद में फिर बैत अकाबा उला में भी ये आए थे और उसमें कितने अफराद थे? 12 अफराद थे। तो लिहाजा हजरत असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला मुसअब बिन उमेर को अपने साथ लेकर बनी अब्दुल अशहल और बनी जफर के महल्ले में तशरीफ ले गए और वहां बनी जफर के एक बाग में एक कुएं के पास बैठ गए। वहां पर चंद अफराद भी मौजूद थे, उनके पास चंद मुसलमान भी जमा हुए। उस वक्त तक
बनी अब्दुल हशल बनी अब्दुल अशहल के दोनों सरदार साद बिन माद उसैद बिन हुजैर अब तक मुसलमान नहीं हुए थे। इनको खबर पहुंची कि ये लोग कुएं के पास बैठे हुए इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं लोगों को। साद बिन माद गुस्से में आ गए, भड़क उठे और उसैद बिन हुजैर से कहा जाओ जाकर उनको इस्लाम की तबलीग से रोको और कहो कि तुम हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। और याद रखो मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं, असाद बिन जुरारा मेरे खाला का लड़का है, अगर ये मेरे खाला का लड़का ना होता तो मैं खुद जाकर ये काम तमाम कर देता, उनको रोक देता। लिहाजा उसैद रजी अल्लाह तआला अपना नेजा उठाकर उन दोनों के पास गए और कहा तुम यहां पर क्यों आए हो, क्या तुम चाहते हो कि हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाए? और उन्हें सख्त बुरा भला कहने लगे। हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा कि यहां बैठ जाओ, मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, चंद बातें इस्लाम की पेश करूंगा, पसंद आए तो कबूल कर लो, अगर पसंद ना आए तो छोड़ दो। हजरत उसैद ने कहा हाँ ठीक है, बात तो तुम मुनसिफाना कहते हो, अच्छी बात कहते हो, लिहाजा बैठ गए। उसके बाद हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उनके सामने इस्लाम की तालीमात को पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। उसैद बिन हुजैर ने कहा यह तो बड़ा अच्छा कलाम मालूम होता है। हजरत मुसअब बिन उमैर कहने लगे उसैद बिन हुजैर के चेहरे को देखकर, चमक दमक को देखकर हमें यह अंदाजा हुआ कि अब वो इस्लाम लाने वाले हैं। जब बात खत्म हुई तो उसैद बिन हुजैर ने कहा कि अच्छा ये बताओ अगर कोई शख्स तुम्हारे इस इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो वो क्या करता है? मुसअब बिन उमैर ने कहा अगर हमारे इस्लाम में कोई दाखिल होना चाहता है तो गुस्ल कर लेता है, कपड़े पाक कर लेता है, कलिमा इला इलाह इल्लल्लाह का इकरार करता है और दो रकात नमाज अदा करता है। लिहाजा ये उठे, गुस्ल किया उन्होंने, कपड़ों को पाक किया, कलिमा इला इलाह इल्लल्लाह का इकरार किया, दो रकात नमाज अदा की और कहने लगे मैं तो इस्लाम ला चुका हूं, मेरे पीछे एक और शख्स है। इशारा किधर था? किधर था? साद बिन माज की तरफ। बनी अब्दुल अशल के दो सरदार थे, एक उसैद बिन हुजैर, एक साद बिन माज। उसैद बिन हुजैर तो मुसलमान हुए मुसअब बिन उमैर के वजह से, और मुसलमान होने के बाद कहने लगे मेरे पीछे एक और है, अगर वो इस्लाम लाया यानी साद बिन माज अगर वो इस्लाम ले आए तो फिर उनकी कौम में से कोई शख्स जो चाहे वो औरत हो या मर्द हो इस्लाम लाने के लिए पीछे ना हटेगा। चले गए। जब उसैद साद बिन माज के पास पहुंचे तो साद बिन माज कहने लगे देखो उसैद जो चेहरा लेकर गया था बखुदा वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है। आने के बाद जब दरियाफ्त किया तो कहने लगे देखो मैंने उनकी बातों को बैठकर सुना, मुझे कोई हर्ज मालूम नहीं हुई, हाँ अलबत्ता मैं उनको उनके काम से रोका हूं और उन्होंने ये कहा कि आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे। और मैं ये बात भी सुन रखा हूं कि मुझे मालूम हुआ बनी हारिसा के कुछ लोग असाद बिन जुरारा को कत्ल करने के लिए आए हैं। असाद बिन जुरारा कौन है? ये कौन? साद बिन माज के चचा के लड़के। साद बिन माज सरदार हैं बनी अब्दुल अशल के। उसैद बिन हुजैर ने कहा मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे चचा के तुम्हारे खाला के लड़के को मारने के लिए बनी हारिसा के कुछ लोग आए हैं। यह सुनना था साद बिन माज गुस्से से भड़क उठे और फौरन रिश्तेदारी के जज्बात में आकर नेजे को उठाकर उनके सामने गए तो देखा कि सिर्फ वहां दो ही लोग हैं। कौन कौन? मुसअब बिन उजैर और असाद बिन जुरारा। देखकर समझ गए कि उसैद बिन हुजैर का यह इरादा था कि मैं यहां आऊं और उनके बातों को सुनूं। इसके बावजूद भी उन्होंने उन दोनों को सख्त बुरा कहा, बुरा भला कहा, कहा कि तुम हमारे कमजोरों को बेवकूफ करने के लिए क्यों आए हो? मुसैब बिन उमैर ने सुन रखा था कि अगर ये इस्लाम ले आए तो फिर उनकी पूरी कौम इस्लाम लाएगी। मौके को गनीमत समझा और कहने लगे यहां बैठ जाओ, चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, अगर पसंद आ जाए बातें तो हमारी बात को अख्तियार कर लो, अगर पसंद ना आए तो हमारी बातों को छोड़ दो। लिहाजा वो बैठ गए।
हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत उनके सामने पेश की, दीन की तबलीग पेश की, तो मुसअब तो साद बिन माज कहने लगे ये तो बड़ा उम्दा कलाम है, बड़ी अच्छी बातें हैं। कहने लगे अच्छा बताओ अगर इस्लाम में दाखिल होना कोई चाहता है तो उसके लिए क्या शरायत है। जो बातें उसैद बिन हुज़ैर को कही गई ये बातें भी उन्हीं की गई, उन्हें कही गई। लिहाजा ये भी उठे, गुस्ल किए, कपड़ों को पाक किया, कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, दो रकात नमाज अदा की, कौम वालों के पास गए। कौम वालों ने साद बिन माज जो कि सबसे बड़े सरदार हैं देखा तो कहने लगे जो चेहरा साद बिन माज हमारे यहां से लेकर गए वो चेहरा हमारे पास नहीं ला रहे। उसके बाद मुसअब बिन उमैर अपनी कौम वालों के पास आए, पूछा कि मुझे बताओ मैं तुम्हारे दरमियान कैसा हूं। कौम वालों ने कहा आप बड़े अच्छे सरदार हैं, अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं, बड़े मुनसिफ हैं, अच्छे हुकुमरा हैं। हजरत साद बिन मुआज कहने लगे अच्छा तो सुनो, अब तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है, जब तक के तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ना लाओ, जब तक तुम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ना लाओगे मेरा तुमसे बात करना हराम है, मैं बात नहीं करूंगा। यह सुनना था शाम के होते होते तक बनी अब्दुल अशल के जितने लोग थे उनकी कौम के लोग साद बिन माज के कौम के लोग इस्लाम ला चुके। इसे क्या पता चला, इस्लाम अगर कोई मजबूत इंसान कोई बड़ा सरदार कबूल कर लेता है तो उसके मातहत जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद उसकी पैरवी करते हुए इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसलिए हमारी भी कोशिश ये होनी चाहिए कभी कभार कि जो मुआशरे में बड़े लोग हैं जिनका मकाम व मर्तबा जिनकी हैबत सत्वत बहुत ज्यादा है उनके पास इस्लाम पेश करें, दावत अहले हदीस पेश करें, अगर वो लोग इस्लाम कबूल करें या फिर अहले हदीस सियत को कबूल कर लें तो फिर बाकी के जो लोग उनके मातहत हैं वो जल्द अज जल्द कबूल कर लेंगे। तो मोहतरम हजरात ये बैत अकबा उला थी, पहली बैत अकबा। यहां पर अल्लाह के नबी ने 12 अफराद पर बैत की। पहले 6 अफराद मदीने के मुसलमान हुए, बाद में 11 नबूवत हज का मौसम आया तो 12 अफराद आए, फिर उसके बाद 13वें नबूवत में 70 अफराद आए, उसका नतीजा ही निकला देखिए। तो इंशाल्लाह बैत अकबा सानी दूसरी बैत अकबा की वजाहत आइंदा दर्स में की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बातों से कुछ दुरूस व इबर निकाल कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।